अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल रूफटॉप गार्डन, गार्डन गाइड के साथ। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रूट आया हुआ है, लीची, तो हमने लेके आए थे लीची खाने के लिए, तो उसको मैंने सोचा कि ग्रो करके देखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी लीची को कैसे सीड से ग्रो करते हैं। तो 3-4 दिन पहले मैंने इसके सीड्स जो थे वो मैंने ऐसे टिश्यू पेपर में रैप करके रखे थे। तो ये देखिए अब इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। देखिए ये ऐसे, देखिए इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इनको गमले में लगाएंगे। गमले में जो मैंने मिट्टी ली है वो 30% मैंने सैंड ली है और 20% मैंने जो है गार्डन सोइल ली है। तो इस तरह की हमने मिट्टी बनानी है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना। तो इनके जो बीज होते हैं उनको फंगस बहुत जल्दी लग जाती है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। देखिए मेरे 3-4 दिन हो गए मैंने रखे हुए, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो ये देखिए इन पर हल्की हल्की सी फंगस आना शुरू हो गई है। अगर इनको जल्दी ना ट्रांसप्लांट किया जाए मिट्टी में तो ये पानी ज़्यादा लगने की वजह से ये फिर गलना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो अब हम इनको घर पर, तो हमने ये जर्मिनेट कर ली है, अब इनको ग्रो करके देखेंगे कि इसका प्लांट कैसा होता है। मैंने तो पहली दफ़ा भी इनको ग्रो कर रही हूँ, तो देखते हैं। ये देखिए इनमें ऐसे फंगस लगना शुरू हो जाती है, ये देखिए। तो मिट्टी हमने जो बनाई है वो मैंने आपको बताया है, वेलड्रेन मिट्टी लेनी है। तो ये मेरा सॉरी, ये मेरा चेंज का गमला है। इसको मैंने ऐसे पहले थोड़ी मिट्टी बना के मैंने एक दिन पहले इसको थोड़ा गीला कर लिया था ताकि जो है जब दोबारा मैं पानी डालूं तो फिर ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। तो एक एक करके हम अपने सीड्स लगाएंगे। ये देखिए ये जैसे इनके ये रूट्स हैं, इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ करके लगाना है, इसका मुँह ऐसे नीचे की तरफ रख के लगाना है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसको सिंपल ऐसे लिटा के भी लगा सकते हैं। ऊपर से हमने ऐसे मिट्टी डाल देनी है इस तरह। दूसरा हम इधर लगाएंगे, ऐसे। ये देखिए इसकी रूट्स, ऐसे हमने इसको सिंपल रख के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ये देखिए, ये जब ये इनके प्लांट्स निकल आएंगे तो फिर वो मैं आपको के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगी। सॉरी, ये ऐसे, ये देखिए ये हमारे सारे एक सीड में दरमियान में लगा दूंगी। ये ऐसे, ये हमारे सारे सीड लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे सीड जो हैं वो गल भी सकते हैं। हमने ऐसी जगह पे रखना है सेमी शेड में, जहाँ पे हल्की सी जो है इनके ऊपर धूप आती हो, सेमी शेड एरिया में हम इसको रखेंगे। अब ये हमारे सीड जो हैं वो
लग गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।